எத்தனை சாலு லைட்ட நீ மன்ன கத்தரை வருவியா பண்ணியல அபர் கத்தரி உமர் வேகா அப்பி ஓயிட்ட கே ஹோரே நோ கோய் கே பச்சாரி நோ மன மார ஆர் நீ ஜ अच्छा लाइट नहीं वे आपरे का की परेशानी वे बाबा जी चंद या तो चीतरा बोले रात तो के लाइट आवे तो नहीं बोले तो आप अंधारे में सिरो अंधारे में सिरो हां किधर किधर निकालो अंधारे में कई करो आप अच्छे मैं कई करा बेच दे हल्का वाज यो करा दो लावा से एक दे मैंने कई बार फाइलें भराई थी अभी भी लास्ट तक भी वो चयनित के आए थे 6 महीने पहले 6-7 महीने पहले तो मैंने सरपंच साहब से साइन करवा के पंचायत समिति सदस्य सारा फॉर्मेलिटी पूरी करके मैंने ऑफिस में जमा कराई फाइल उन्होंने बोला आ जाएगा करेक्शन हम कनेक्शन कर देंगे मगर अभी तक नहीं आया है फिर हम जंगल में रहते हैं माँ की उम्र भी ज़्यादा है 90 साल की उम्र है तो फिर कुछ पंखा हो हवा हो तो उनको राहत मिले अब क्या कर सके अच्छा कितने टाइम हो गया लाइट नहीं होने से परेशानी हो रही है आपको देखो मेरी माँ की 90 साल की उम्र हुई है अब आप सोच लो लाइट आयो कितने बरस हुए आजाद हुआ देश का भाई है लाइट आप ये तो आप ही देख लो इससे क्या और आप यहाँ पर क्या लेने आए हो और क्या क्या हुआ है अभी यहाँ पर हमारी कंपनी राजसमंद में बीपीएल कंज्यूमरों के लिए कनेक्शन दे रही है जिसमें काफ़ी सारे बीपीएल कंज्यूमरों को कनेक्शन दे चुके हैं और कई कुछ जगह पर बीपीएल कंज्यूमर है जो छूट गए किसी कारणवश तो जैसे ही हमारे पत्रकार जी के माध्यम से हमें सूचना मिली तो तुरंत ही हमने अगले दिन कार्यवाही करी और इनके मीटर यहाँ पर लगा चुके हैं इसमें मीटर किट और LED बल्ब और अर्थिंग रोड और जो भी पूरा किट होता है वो यहाँ पर हमने कम्प्लीट कर दिया है। अच्छा ये बताइए चैन सिंह जी की समस्या को हल करने के लिए वीडियो शूटिंग और मेरी क्या भूमिका रही? इससे हमारा ये फायदा हुआ कि सारा चैनल पे भी आया बाहर भी लोगों ने देखा उनको लोगों को भी गांव वालों ने भी हजारों लोगों ने मुझसे बोला चैन सिंह जी आपने जिसने भी ये वीडियो शूटिंग भेजी बहुत अच्छा काम किया और फिर अधिकारी के पास भी गए वहाँ वीडियो शूटिंग की उनको भी पूछा कब लाइट लगेगी फिर दूसरे दिन जब ये आ गया मतलब वीडियो में दूसरे दिन अधिकारी आके लाइट लगा के गए जीवन में ये बदला है मोबाइल चार्ज घर पर कर पहले ही जहाँ जाते हैं वो चार्जर ला साथ में रखते फिर जहाँ बैठते वहीं चार्ज करते थे समस्या थी कुछ लोगों को भी कि हमारे घर आके क्यों चार्ज कर रहे हैं या ये क्यों कर रहे हैं तो परेशानी तो बहुत थी अब हमारे घर मोबाइल चार्ज कर सकते हैं पंखा है लाइट हो गई है तो इससे वह हमारे को तो बहुत फ़ायदा हो गया मतलब। अच्छा ये बताइए कि आप मोहनी भाई को आपने जो कनेक्शन दिया है अभी कैसा लग रहा है आपको? जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जैसा हमें पता चला कि इनको काफ़ी सालों से इन बिना लाइट के रह रहे हैं इन्होंने पूरी उम्र बिना लाइट के गुजार दी है और ज़िंदगी के आखिरी चरण में ये लाइट देखना चाहती थी इन्होंने पंखा और पूरा हाउस वायरिंग कंप्लीट करा दी पर मीटर ना लगने की वजह से वो गर्मी में भी परेशान हो रही थी तो इसलिए हमने तुरंत ही कार्रवाई कर इनके मीटर आज लगा दिया। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो के बदलाव से चैन सिंह जी के घर पर लाइट आ सकी जिससे मुझे बड़ी खुशी मिली मुझे आगे भी काम करने की प्रेरणा मिली जिससे मैं और भी समस्याओं पर काम कर सकूंगा। मैं शंभू राज सवर देरोड़ा से इंडिया अनट के लिए।